मिले, मैं तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी एम पिछल जी, उपाध्यक्ष उदयजीत सिंह जी, गौतम जी, ललित जी, दिल्ली स्वीकार कैंसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दौलत राम जी, सभी उपासिकाओं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय। मैं तो पिछले लगभग 20 दिन से लगातार रोज सुबह से शाम तक 10-12 सभाओं को संबोधित कर रहा हूँ और एक ही बात कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया को बुद्ध के धर्म की जरूरत है। अगर पूरी दुनिया में जिस तरह कत्लेआम मचा है, जिस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्या सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए, जिस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसे हालात में अगर पूरी दुनिया में कोई शांति कायम कर सकता है, अगर कोई विकास के रास्ते को खोल सकता है, अगर कोई मानवता को आगे लेके चल सकता है, तो वो तथागत बुद्ध का धम्म और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुझे खुशी है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती भी अप्रैल में मना रहे हैं और बुद्ध जयंती भी अप्रैल में मना रहे हैं। शायद ये पहला अवसर है जब तथागत बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल के अंदर आई है। मेरे को मुझे याद नहीं है कि कभी अप्रैल में पहले आई हो बुद्ध पूर्णिमा। अप्रैल में शायद मेरे लाइफ की पहली बार बुद्ध पूर्णिमा अप्रैल में आई है, तो ये कोइंसिडेंस है, बड़ा अच्छा अवसर है कि हम दोनों पर्व बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह के हालात पूरे देश के सामने हैं, जिस तरह के हालात केंद्र की सरकारों ने आज हमारे समाज के सामने खड़े कर दिए हैं, वो हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं। क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाकर शिक्षा के रास्ते खोलकर, सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलकर जो हमारे समाज की तरक्की का रास्ता प्रशस्त किया था, क्या वो अवसर आज भी है? क्या सच नहीं कि आज जब से पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आई है, तब से शिक्षा हमारे लोगों के हाथ से छूटती जा रही है? जब से नो डिटेंशन पॉलिसी आई है कि किसी को भी पहले से आठवीं तक फेल मत करो, ऐसे पास करके चले जाओ, तो बच्चे ऐसे बच्चे क्या बन पाएंगे जो ऐसे ही आठवीं तक पास हो रहे हैं, नौवीं में जाकर फेल हो जाते हैं, फिर स्कूल से निकाल दिए जाते हैं? तो ये बड़ा ही खतरनाक षड्यंत्र हमारे समाज के सामने है। और दूसरा, जो ठेकेदारी प्रथा जब से लागू हुई है और पिछले से पिछले पे कमीशन ने जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट बंद किया है, तो मैं समझता हूँ शिक्षा का रास्ता जिससे हम आगे बढ़ना शुरू हुए, सरकारी नौकरियाँ जिससे हमारे घरों में थोड़ी सी खुशहाली आई, वो शिक्षा का और सरकारी नौकरी का रास्ता केंद्र सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने बंद कर दिया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, उच्च न्यायालय सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के माध्यम से जिस तरह आरक्षण के ऊपर हमले हो रहे हैं, आरक्षण से संबंधित केसों में जिस तरह आरक्षण खत्म किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, और एट्रोसिटीज एक्ट को जिस तरह 20 मार्च के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह लगभग खत्म कर दिया, इससे ऐसा लगता है जैसे कि केंद्र की सरकार और कोर्ट मिलके हमारे लोगों के जीवन में तरक्की को बंद करके हमें दोबारा से गुलाम बनाने की साजिश में शामिल हो गए हैं। ये बहुत ही दुखदायी है। मैं चाहूँगा कि इसके लिए अब कोई दूसरा रास्ता समाज के सामने नहीं है, क्योंकि सारे ताकत उनके पास है, राजनीतिक ताकत भी उनके पास है, कोर्ट भी उनके पास है,
पुलिस भी उनके पास है, सेना भी उनके पास है, खेती की जमीन भी उनके पास है, उद्योग धंधे भी उनके पास है, प्राकृतिक संसाधन भी उनके पास है, हमारे पास है क्या? क्या दुनिया दोबारा से हमें फिर से गुलाम बनाने की साजिश तो नहीं चल रही है? बड़े मुश्किल से 4000 साल की गुलामी तोड़ के बाबा साहब ने हमें ये सम्मान का अवसर दिया था, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार और अलग अलग राज्य की सरकार ने मनुवादी व्यवस्था की सोच के चलते कोर्ट ये सब लोग मिलकर हमारा दोहन करने लगे हैं, तो ये दिन बहुत खतरनाक बन गया है। लगता है पुनः हमें गुलाम बनाने की एक साजिश रची जा रही है। तो गुलाम तो खैर हमें बनने वाला नहीं है, हमारा समाज तो गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। हम मर सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं हो सकते, हम झुक नहीं सकते, हम टूट नहीं सकते, हम लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। लेकिन इसके लिए एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सारी शक्तियां उनके पास है, हमारे पास केवल एक चीज है, वो है हमारे समाज की ताकत, हमारे समाज की एकजुटता। अगर हम अपने ये छोटी छोटी जातियों में हमें मनुवादी व्यवस्था में बांटा था, अगर हम उस छोटी छोटी जातियों को खत्म करके सब लोग एकजुट हो जाए, तो मैं समझता हूँ चाहे सारी शक्तियाँ क्यों ना इनके पास हो, हम अगर सब एकजुट हो जाए इनको परास्त कर देंगे, अपना हक ले लेंगे और पुनः तरक्की के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय। और जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म आपने मुझे दिया है, मैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म के रास्ते पर चलते हुए बाबा साहेब के बताए रास्ते पे आगे बढ़ते हुए समाज के मान सम्मान के लिए आजीवन लड़ने का जो संकल्प समता संगठन के सैनिक के रूप में मैंने लिया था, वो मैं जारी रखूंगा और समाज के लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।